नमस्ते दोस्तों, आज हम खड़े हैं इस इंडियन ओमनी वैन के सामने, जिसे मारुति सुजुकी वैन भी कहा जाता है इंडिया में। 1983 में लॉन्च हुई थी और ये तब से फर्स्ट जनरेशन में ही है। ये आप देख रहे हैं सिल्क मेट ग्रे कलर, मेटेलिक ग्रे कलर देख रहे हैं। में चार वेरिएंट्स आते हैं, मारुति ओमनी फाइव सीटर मेट, मारुति ओमनी एट सीटर, मारुति ओमनी एट सीटर मेट। ये फाइव सीटर मेट है, इसे आप कमर्शियल पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एम्बुलेंस, स्कूल वैन, डिलीवरी वैन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग। पिलर्स में आपको ब्लिंकर मिल जाएंगे और रूफ में डिज़ाइन एयर फ्लो के लिए। आइए इसका बूट खोल के देखते हैं। आपको यहाँ पे स्टॉप लैंप मिल जाएगा और पीछे बम्पर में ये फाइबर बम्पर मिलेगा और यहाँ आपको रिवर्स लाइट और वहाँ एक और यहाँ पे आपको साइलेंसर मिलेगा जो छोटी सी है। ये टेल लैंप हैलोजन टेल लैंप है। मारुति ओमनी 8 सीटर की जो है, ये जो पीछे की सीट है वो थोड़ी इधर आ जाएगी और एक सीट इस तरफ फोल्ड होके वहाँ रहेगी। इसका बूट स्पेस आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये मैट शोरूम से मिलेगा। यहाँ आपको बैटरी रखने का जगह, यहाँ बैटरी रहता है, देखिए। और ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री कुछ वेंट्स के साथ। पीछे डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ भी एक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, डोर थोड़ी टाइट है। आपका फ्यूल लिट की से ओपन होगा, देखिए। ये 12 इंच के टायर्स, आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक। और ये पीछे का डोर खोल के देखते हैं। यहाँ आपको ट्रांसमिशन का एक हब मिल जाएगा, गियर बॉक्स यहाँ फिट है। और ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री टू टोन में, सीट बेल्ट मिल जाती है पैसेंजर के लिए, बैक पैसेंजर के लिए। वो ग्लास खुलती है और स्पेयर व्हील रखने का जगह यहाँ है। और ये लिप स्प्रिंग सस्पेंशन पीछे की और आगे की मैक पर्सन सस्पेंशन है। आगे लुकिंग ग्लास भी आपको ब्लैक मिलेगा। यहाँ आपको एंटीना का पुट करने के लिए मिलेगा स्पेस। डोर में ना ही कोई पॉकेट्स है, सिर्फ एक हैंडल और ग्लास अप एंड डाउन मैनुअल विंडो। यहाँ आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा और इसमें सेफ्टी फीचर्स में सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर और कोलैप्सिबल स्टेयरिंग, आगे का सीट
आगे कर सकते हैं और पीछे कर सकते हैं। ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट सिर्फ पीछे रोल होगी। यहाँ आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको लाइट के कंट्रोल्स। और यहाँ आपको डीवीडी प्लेयर फिट करने के लिए जगह है। और ये आपका खाली एयर वेंट है जिसमें आप ऑन करने से यहाँ से हवा निकलेगी। और ठंडा का समय आप इसको ऐसे कर दिए तो गर्म हवा निकलेगी। आप यहाँ से भी लेग में आपको हवा मिल सकती है। इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा छोटे से। लुकिंग ग्लास में डिम का ऑप्शन नहीं है। वैनिटी मिरर जो अपनी पोजीशन से डिसलोकेटेड है, ये इसमें आपको नहीं मिलेगी ग्लास। और यहाँ भी वैनिटी ग्लास नहीं मिलेगा। लाइट यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है वहाँ भी। आइए इसका इंजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको इंजन हीट का मीटर, फ्यूल का मीटर और ये स्पीडोमीटर मिल जाएगा। आइए इसका बोनेट खोल के देखते हैं। इसका बोनेट ठीक पैसेंजर सीट के नीचे है। इसका इंजन अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो हीट हो जाती है, इससे आपको बचने के लिए ये मैट थोड़ी दी हुई है। आपका थाई बचा रहेगा पैसेंजर को और ड्राइवर का। आइए ये सीट भी खोल के देखते हैं। यहाँ भी है। इसमें आपको 4-स्ट्रोक वाटर कूल 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो प्रोड्यूस करता है 796 सीसी का पावर, 53 पीएस पावर प्रोड्यूस करता है और 57 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है। हाँ, इसका फ्रंट प्रोफाइल आपको नॉर्मल हेलोजन लैंप मिल जाता है आगे में। और ये आपका ग्रिल तो नहीं है, सिर्फ सुजुकी का लोगो। यहाँ से आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं। और नीचे में आपको मिल जाएगा बम्पर, फाइबर बम्पर, आपकी ब्लिंकर। तो आपको मारुति सुजुकी ओमनी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।